हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। और जैसा कि टाइटल और थंबनेल में आपने देख लिया होगा, मैं बताने वाला हूँ फेसबुक मैसेंजर है में बिगेस्ट अपडेट जो था अनसेंड मैसेज का, वो अपियर हो चुका है और वो रिसीव हो रहा है सारे आईओएस और एंड्रॉयड फोन्स में। तो जल्द से जल्द अपने ऐप को अपडेट कर लीजिए। मैंने एक और वीडियो बनाई थी अनसेंड मैसेज पे फेसबुक की तरफ से, लेकिन उस टाइम बीटा वर्जन में सिर्फ दिया गया था और उसे टेस्ट ही कर रहा था, और इस बार फेसबुक ने कंफर्म कर दिया कि उन्होंने ले आया है। तो चलिए इस वीडियो में जान लेते हैं अनसेंड बटन क्या है एक बार फिर से। तो चलिए अपने वीडियो को ना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल टेक कुमार प्ले को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, नहीं तो आप हमारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिस कर जाएंगे। और इस बेल आइकन को भी जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, फेसबुक मैसेंजर ने अपडेट लाया है कि अब आईओएस और एंड्रॉयड फोन्स में सभी में रिसीव होने जा रहा है। आप जल्द से जल्द अपने मैसेंजर ऐप को अपडेट कर लीजिए। तो इसमें अब आने जा रहा है अनसेंड मैसेज फीचर। जैसे व्हाट्सएप में होता है डिलीट मैसेज बटन, वैसे ही इसमें आने वाला है अनसेंड बटन, लेकिन इसमें टाइम लिमिट बहुत कम दिया गया है। तो चलिए अब बता देता हूँ, फेसबुक रोल आउट कर रहा है और ये अभी फर्स्ट फर्स्ट फेज में कुछ ही कंट्रीज़ को मिलेगा। उसमें इंक्लूडेड है कोलंबिया, बोलीविया, पोलैंड और लुथेनिया, इन चारों कंट्रीज़ में आएगा। उसके बाद सेकेंड वेव में और कुछ कंट्रीज ऐड होंगी, थर्ड वेव में और कुछ, ऐसे ही करते करते सभी को जल्द से जल्द मिल जाएगा। और ये जो है ये फीचर ये व्हाट्सएप से लिया गया है, और व्हाट्सएप भी फेसबुक ओनली कंपनी है, तो फेसबुक ने सोचा कि मैसेंजर भी क्यों ना लाया जाए, इसे मैसेंजर में भी काफ़ी फ़ायदा होगा इसे लाने से और लोग उसे भी पसंद करेंगे। तो जो ये है इसमें आप क्या कर सकते हैं कि अपने मैसेज को जैसे आपने किसी को भेजा और विद इन 10 मिनट्स के अंदर ही अगर आपने किसी को गलत मैसेज भेज दिया तो आप उसे अनसेंड कर सकते हैं। बस आपको करना ये है कि आपको मैसेज पर क्लिक किए रहना है और आ जाएगा अनसेंड का ऑप्शन, अनसेंड पे क्लिक कर देना है। 10 मिनट्स के बाद अगर आप उसे डिलीट करते हैं तो डिलीट हो भी जाएगा आपकी तरफ से, लेकिन जिसको वो मैसेज चल गया है उसको चल गया है, वो उस मैसेज को पढ़ लेगा। तो ध्यान रखिएगा 10 मिनट्स के बाद आप डिलीट मत करिए मैसेज, कर भी देंगे तो वो पढ़ लेगा। तो बस आज की यही अपडेट थी फ्रेंड्स, और ये एक बहुत अच्छा कदम उठाया गया फेसबुक की तरफ से। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके चल जाइएगा, और इस वीडियो को शेयर करिए ताकि आपको फ्रेंड्स को भी पता चले कि फेसबुक में नया अपडेट आ चुका है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।